हम लोगों ने जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन देखा उसमें सबसे जो मेन पॉइंट था कि जो भी कार्बिन फॉर्म कर रहा था वो सिंगलेट स्टेट में फॉर्म कर रहा था, और जो ट्रिपलेट स्टेट का कार्बिन होता है वो क्या होता है, सिंगलेट स्टेट से कम एनर्जी वाला होता है, 40 किलो जूल पर मोल लगभग उसकी एनर्जी जो होती है कम होती है। तो कोई भी केमिकल स्पीसीज जो होता है वो अपने लोअर एनर्जी स्टेट में रहना प्रीफर करता है, तो हमेशा क्या होगा, सिंगलेट कार्बिन जो होगा ट्रिपलेट कार्बिन में फॉर्म कर जाएगा। इन एनी रिएक्शन फर्स्ट सिंगलेट कार्बिन फॉर्म एंड देन ट्रिपलेट कार्बिन फॉर्म, मतलब किसी भी रिएक्शन में पहले सिंगलेट कार्बिन ही फॉर्म करता है और उसके बाद चूंकि ट्रिपलेट कार्बिन की एनर्जी कम होती है तो सिंगलेट कार्बिन ही ट्रिपलेट कार्बिन में फॉर्म कर जाता है, चेंज कर जाता है। जब भी कोई हम रिएक्शन कराते हैं तो वो दो स्टेट में करा सकते हैं, एक तो क्या है कि वो या तो लिक्विड फेज में होगा या गैसियस फेज में होगा। जब भी हम कभी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, जो हमारे पास मटेरियल होता है मैक्सिमम केसेस में हम लोग लेबोरेटरी में जो करते हैं वो लिक्विड फेज में होता है। तो अगर लिक्विड केस में सिंगलेट कार्बिन फॉर्म करता है तो वो क्या करता है, जो भी सॉल्वेंट रहता है उसी के साथ बहुत ही रैपिड इंटरेक्शन करता है, रैपिड रिएक्शन करता है, और इसकी वजह से क्या होता है, उसका एनर्जी जो होता है वो लूज कर जाता है और लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रिपलेट कार्बिन को फॉर्मेशन करता है। वैसे ही गैसियस स्टेट में अगर रहता है, अगर सिंगलेट कार्बिन, हम लोग कोई रिएक्शन गैसियस स्टेट में अगर कर रहा है और सिंगलेट कार्बिन फॉर्म किया, उस केस में क्या होता है कि इनर्ट गैस के प्रेजेंस में ये क्या करता है, इनर्ट गैस को रिएक्ट नहीं करता है, तो इनर्ट गैस के साथ कार्बिन जो है कोलिजन करता है, अपने एनर्जी को इनर्ट गैस को दे देता है, जिसके कारण उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, वो ये जो कोलिजन होता है रैपिड कोलिजन होता है, जिसके कारण इसकी सिंगलेट कार्बिन की एनर्जी कम हो जाती है और ये जो होता है ट्रिपलेट कार्बिन में कन्वर्ट कर जाता है। इन लिक्विड फेज फर्स्ट फॉर्म सिंगलेट कार्बिन लूजेज एनर्जी टू फॉर्म ट्रिपलेट कार्बिन बाय रिएक्टिंग रैपिडली विद अबाउंडेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। जो भी हम लिक्विड फेज लेंगे तो कोई सॉल्वेंट लेंगे, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, सिंगलेट कार्बिन अपना रिएक्ट करके रैपिड रिएक्शन से एनर्जी लूज करके ट्रिपलेट कार्बिन स्टेट में कन्वर्ट कर जाता है। इन गैसियस फेज इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस लाइक N2, CH2, CCl4, C3F8, आर्गन etc, सिंगलेट कार्बिन लूजेस एनर्जी बाय कोलिजन एंड कन्वर्ट इनटू ट्रिपलेट कार्बिन। अब क्या है कि ये जो सिंगलेट कार्बिन भी कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रिपलेट कार्बिन से ज्यादा स्टेबल हो जाता है, उसका वजह क्या है कि अगर जो हम भी जब भी कार्बिन की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि इसके साथ कोई दो ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसका फ्री रहता है, ये क्या है, कार्बिन है। अगर ये जो दोनों ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, जो इसको इलेक्ट्रॉन दे तो क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबलाइज कर जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। और सिंगलेट कार्बिन के केस में क्या होता है कि इसके पास वैकेंट और वाइटल होता है, जिसमें कि ये दो वाला इलेक्ट्रॉन जो रहता है सिंगलेट कार्बिन का, ये तो पेयर्ड होता है और एक वैकेंट इसके पास और वाइटल होता है, प्योर वाइटल। अगर यहाँ वाले ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन दे तो इजिली क्या कर सकता है, ले सकता है, इसके पास वैकेंट और वाइटल है सिंगलेट कार्बिन के केस में। तो इस उस केस में क्या होता है कि सिंगलेट कार्बिन ही ट्रिपलेट कार्बिन से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है या इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस तरह के इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिच सब्स्टिट्यूएंट एट दिस पोजीशन मेक्स सिंगलेट कार्बिन मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट कार्बिन। कैसे होता है, देखिए यहाँ पे ये कार्बिन है, ये सिंगलेट कार्बिन है और ये ट्रिपलेट कार्बिन है। तो सिंगलेट कार्बिन में क्या होगा, ये दोनों एक ऑर्बिटल में पेयर्ड हो जाते हैं, लेकिन इसके पास एक पी ऑर्बिटल कार्बन के पास वैकेंट बच जाता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए हम लोगों ने आर ओ ले लिया, ये क्या है, ऐसा ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे लोन पेयर वाले, वो दे सकता है, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो दोनों पे हम लोगों ने सेम, चूंकि कैसा इफेक्ट आता है इसके लिए सेम ही हमने क्या किया है, ग्रुप लगा अटैच कर दिया है। इसके केस में क्या होता है, सिंगलेट के केस में कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये इसके प्योर ऑक्सीजन के प्योर ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, इसको हम लोग कहते हैं पी पाई बैक बॉन्डिंग। मतलब कि ये बॉन्डिंग मेन बॉन्डिंग किस कौन सा है, ये वाला, ठीक है, लेकिन इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है इसके प्योर ऑर्बिटल में और कार्बन के पास वैकेंट प्योर ऑर्बिटल है, तो क्या होगा,
इसके साथ ये बॉन्डिंग कर लेगा और बहुत ये जो होगा इसका फिर काफी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा सिंगलेट कार्बिन। लेकिन चूंकि यही वाला ऑर्बिटल जो है खाली नहीं मिलेगा ट्रिपलेट वाले में, ट्रिपलेट कार्बिन के केस में, तो ये बैक बॉन्डिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि पी पाई बैक बॉन्डिंग जो यहाँ पे नहीं हो सकता, जिसके कारण ये उतना स्टेबल नहीं होगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि इन CF2, CCl2, CBr2 और Cl2 दिया हुआ है और ये सारे के सारे क्या है, कार्बिन है। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डॉट से दिखा है, इसका मतलब क्या है, ये सारे कार्बिन है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? इसमें CF2 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उससे कम CL2 वाला ग्रुप होगा CCl2, उससे कम CBr2 और सबसे कम Cl2। इसका वजह क्या है कि ये जो इसका p ऑर्बिटल है F का और क्लोरीन का, ये कम कार्बन का, ये क्या है, ये कंपेरेबल है कार्बन से, फ्लोरीन का और कार्बन का, तो काफी अच्छा से क्या हो सकता है, बैक बॉन्डिंग हो जाता है। और मतलब p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम इंटरैक्ट विद p ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड फॉर्म लोअर एनर्जी मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ये फ्लोरीन और कार्बन के जो p ऑर्बिटल है चूंकि कंपेरेबल है, एक ही एनर्जी लेवल में है, तो क्या होगा, ये काफी अच्छे से ये क्या कर सकते हैं, बॉन्डिंग कर सकते हैं एक साथ, और उसके कारण लोअर एनर्जी का मॉलिकुलर ऑर्बिटल बना देंगे, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। जिसकी एनर्जी जितनी कम वो उतना ही ज्यादा स्टेबल, तो CF2 जो है सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और इसके पी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी, तो इसमें जब इन दोनों का बॉन्डिंग तो होगा, बैक बॉन्डिंग, लेकिन क्या होगा, उतने बेहतरीन ढंग से नहीं होगा जितना कि CF2 के केस में होगा, इसलिए CF2 सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा। और दूसरा भी हम इस तरह से भी इसको देखते हैं कि जो भी जितना माइनस आई इफेक्ट वाला होगा वो क्या करेगा, वो उतना ही स्टेबल इसको करेगा। अब जो है ये कार्बिन जो है, इसका नेचर जो है दो चीजों पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो ये ग्रुप अटैच है वो किस तरह का ग्रुप अटैच है। अगर यहाँ का ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऐसे हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो है कार्बिन जो होता है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो ऐसे सेंटर पर अटैक करना चाहेगा जहां से इलेक्ट्रॉन मिले। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा ग्रुप लग गया हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, तब क्या करेगा उस केस में, यही सेम इसका नेचर हम देखते हैं। कैसे डिफर करता है कार्बिन का जो नेचर है उस पर, जो अटैच जो ग्रुप होते हैं उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे कैसा ग्रुप अटैच है, इससे इस कार्बिन जो, ये अगर कार्बिन है, अगर डिफरेंट टाइप के, ये जो है कार्बिन का जो नेचर है वो किस पे डिपेंड करता है कि इसके साथ किस तरह के ग्रुप अटैच है। या तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है या फिर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। न्यूक्लियोफाइल को हम लोग Nu- से भी दिखाते हैं और इलेक्ट्रोफाइल को E+ से डिनोट करते हैं। तो जब अगर यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहां पे अगर लगे हुए रहेंगे इन दोनों पोजीशन पे, तब ये क्या होता है, ये कार्बिन जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने लगता है, यानी कि ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। और ऐसे ग्रुप कौन सी है, जैसे अगर OH लगा हुआ हो, NH2 ग्रुप लगा हुआ हो, तो क्या है, ये लोन पेयर अपने डिनोट कर डोनेट कर देंगे कार्बिन को और इसकी वजह से ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। और अगर हम यहाँ पे एक H को हटा के एक R लगा दें या फिर दोनों H को हटा के NR2 लगा दें, दो आर लगा दे, उस केस में भी क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल की तरह तब एक्ट करेगा जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है इससे लेने वाला ग्रुप लगा हुआ हो, तो जैसे कि CN, CHO, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा है उस केस में क्या होगा, ये एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। और अगर इसके पास लगा हुआ हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तब यही कार्बिन जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल डिपेंड करेगा। यानी कि कैसा है कार्बिन, ये किस पे डिपेंड करता है कि इसके साथ लगा हुआ ग्रुप कैसा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कार्बिन के कैसा, इसका स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में हम लोग